दूल्हा भी है अभी दूल्हा मिला मुझे हां ये दो दूल्हा भी है आलम तो है आलम है और दो दूल्हा भी लखनऊ सिल्वर काइट कप टूर्नामेंट ऑल इंडिया सारे पदे अधिकारी आज मौजूद है। आज टूर्नामेंट की टाई के सिलसिले में मीटिंग आई हुई है आयोजित। ये सारे पदे अधिकारी बैठे हुए हैं, ये हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, ये चुप्पी भाई हैं, हम टीटू भाई, दरफात भाई बैठे हुए हैं, अनूप भाई बैठे हुए हैं, सैयद भाई बैठे हुए हैं, पार्षद साहब शमन भाई, जितेश उस्ताद, इमरान भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे अध्यक्ष साहब रसी हैदर साहब, हमारे मुन्ना भाई मलियाबाद से आए हुए, शालम भाई हमारे, राहुल भाई, तारिक भाई, शिबू भाई, चेड़ी भाई, शबाज भाई और तौसीफ भाई, टप्पू भाई, हयात भाई, कटी हो गया था आदमी ऊपर फान गए कटा हुआ था वही तो 200 जो नहीं हो गई। ये टाई की पर्चियां बनती हुई कामरान भाई लिख पर्चियां बना रहे हैं, साथ में राहुल भाई मेहनत कर रहे हैं उनके, या छम्मन भाई हमारे विनायक मथुरा है, विनायक मथुरा हमारे टीम में यहाँ पे देखिए और टाई डाला जा रहा है जिससे ए बी सी डी पुल बन सके। आप लोग देखिए दोनों डाबे खुली हुई हैं, एक तरफ लोकल टीमें हैं और एक तरफ हमारी ऑल इंडिया टीमें हैं। राहुल भाई सब पे टिक कर रहे हैं नाम लिखने के बाद, कामरान भाई पर्ची बना रहे हैं, जो कैशियर है हमारे हमारे अध्यक्ष साहब वसी भाई बैठे हुए हैं, हंटर शिकारी कानपुर परदेसी टीम। ये परदेसी टीमों की इस टाइम अभी तो पर्चियां लिखी जा रही हैं, अभी लोकल की नहीं लिखी गई हैं। किसका टाइम? हाँ रामपुर राहुल भाई एक कुर्सी आप दीजिए, इधर कुर्सी एक दो राहुल भाई ठीक है रामपुर फाइव स्टार रामपुर सुपर आवड़ा कलकत्ता देखिए कितनी मेहनत करी जा रही है। ये टाई के सिलसिले में सारी पर्चियां बन रही हैं, कौन सी टीम का किससे मैच पड़ेगा ये टाई के जरिए पता चलेगा आपको एकदम। कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि इनका मैच इनसे ऐसे ही डाल दिए गए, इसलिए ये पर्चियां पड़ती हैं जिसका जिससे मैच पड़ जाए। अभी तो सब परदेसी टीमों की पर्चियां बनाई जा रही हैं, कामरान भाई हमारे पर्ची बना रहे हैं और राहुल भाई साथ में पूरी मेहनत कर रहे हैं,
देखिए राहुल भाई किताब लिए बैठे हुए हैं। हमारे उस्ताद सरवर जमाल जी, उनके बराबर में हमारे पार्षद कल आवेद वार्ड टू लई कागा जी, उनके बराबर में हमारे संस्था के अध्यक्ष वसी हैदर जी, और उनके बराबर में शालम भाई, कामरान भाई, इंटरनेशनल कोलकाता, इंटरनेशनल कोलकाता ब्रदरहुड प्रयागराज। ब्रदरहुड ना, हाँ ब्रदरहुड कहाँ का है? प्रयागराज। शान बरेली काफी मेहनत करी जा रही है। हिंदी बरेली बना दो अब ये लोकल टीमें लिखी जा रही हैं, लखनऊ की टीमें लिखी जा रही हैं। ये सिल्वर काइट कप की टाई पड़ ली है, उसकी पर्चियां लिखी जा रही हैं। हमारे कामरान भाई ये पर्ची लिख रहे हैं। नहीं सिर्फ लोकल है लखनऊ, पुरनिया सबसे पहला नाम पुरनिया का। A1 फ्रेंड्स, काफी टाइम देने के बाद कमेटी मेंबर्स ने आदेशी की पर्चियां बना ली हैं और अब उनको लखनऊ की पर्चियां बनाई जा रही है। A1 भी दोनों हैं। L2 लिखो लखनऊ ना पूरा लिखो। लखनऊ भाई लोकल लखनऊ के लोगों के नाम ले रहे हैं। जल्दी अभी कामरान भाई सबकी पर्चियां बना रहे हैं। हां बिना पर्ची छानी है जिससे इसका टाइम लगेगा। हमें नहीं मार रहे हैं, हां और नहीं हमें देते हैं आर्टिकल करा कर बना ले रात को बैठ यहाँ बनाना ज्यादा अच्छा होगा सामने। धन्यवाद। जैनाबाद स्काई राइडर शीश महल लोकल टीमों की टाई पड़ रही है, लखनऊ की टीमें जितनी भी हैं उनकी टाई पड़ रही है। बैठ जाए फिर, बैठ सकते ना भाई, अब तक ही तो बैठेंगे। महाराजा त्रिवेणी नगर, तिरंगा महाराजा बोल रही महाराजा होगी बोल तहसील
तिरंगा गोल्डन टीम तहजीब पाकिजा गोल्डन टीम के न्यू मिलन राहुल भाई थोड़ा तेज बोलिए तेज बोलिए सेवन स्टार गोमती काइट क्लब की पर्ची लिखी जा रही है ऋषि मौर्या ये ऋषि मौर्या की पर्ची लिखी जा रही है जेके ये जेके काइट जेके 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 काइट क्लब की पर्ची लिखी जा रही है देखिए हमारे जिशान भाई काइट जोन वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं और उनके बराबर में हमारे तौसीफ भाई खड़े हुए हैं मुख्तार भाई एवन काइट क्लब तनवीर भाई एवन काइट क्लब जेडी काइट क्लब के जेडी भाई बॉबी भाई शबाज भाई शुएब भाई सब जेडी में लाते हैं शिबू भाई एवन काइट क्लब के स्कॉर्पियन काइट क्लब की ये पर्ची लिखी जा रही है चार पाक काइट क्लब की अब पर्ची आ गई है अभी ये सिर्फ पर्ची पे नाम लिखा जा रहा है टाइस के बाद पड़ेगी पहले पर्ची बनाई जा रही है मिलन की हो गई मिलन मिलन लखनऊ इंडियन काइट क्लब की पर्ची आ गई है यंग पावर की पर्ची आ गई है राहत अब राहत काइट क्लब की पर्ची आ गई है राहत एक्सीलेंट काइट क्लब की अब पर्ची लिखी जा रही है ये सब पर्चियां अभी लिखी जा रही हैं अभी इसकी टाई नहीं पड़ी है ये लोकल टीमें सब लखनऊ की हैं उनकी पर्चियां बनाई जा रही है सुपर काइट क्लब जेडी की पर्ची आ गई है जेडी की ए टीम है दमंग लिख दिया ये दमंग है नहीं नहीं जेडी दमंग 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 जेडी के बाद दमंग चेक कर लेने कितनी मेहनत होती है देखिए एक एक पर्ची ध्यान से देख देख के लिखी जा रही है एक तरफ टिक हो रहा है एक तरफ नाम लिखा जा रहा है हयात भाई दौर आ गए पुराने दौर अब बीएलडी का नंबर आ गया है
सारे क्लब के मेंबर्स भी यहाँ मौजूद हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं कि किससे मैच हमारा पड़ता है। देखिए जेडी भाई कितना खुश है, वो बस इसी चक्कर में है किससे हमारा पड़ेगा। आप बड़े हम नहीं पी यार, हम ले लेंगे। देखिए आ गए, पहले जो लिंगे दो अंबर डायमंड टीम को एक बाहर लड़ानी जरूरी है, के जी एफ की पर्ची लिखी जा रही है, के जी एफ लखनऊ। सुपर इंडिया लखनऊ की पर्ची लिखी जा रही है। न्यू मास काइट क्लब की पर्ची लिखी जा रही है, मास क्लब लखनऊ। शाने मुगल लखनऊ, न्यू मुगल है, सॉरी शाने मुगल खोला था अवध काइट क्लब की पर्ची लिखी जा रही है, अवध काइट क्लब लखनऊ। अवध नाम है तो लखनऊ की टीम हुई है, नेशनल टीम आ गई है। लग रहा है अपने मायके की शक्कर डाल रहा है, सराल चाहिए होती तो हॉके पड़ती। बोरी लेके गिरा नहीं किंग लखनऊ, किंग काइट क्लब लखनऊ, जेमिनी लखनऊ, देखिए पर्ची हम मिक्स करी जा रही है। ये एक तरफ ये किधर की रखी हुई है, ये परदेशी की रखी हुई है, और ये लोकल ये रखी हुई है, लोकल टीमों की रखी हुई है। ये उस्ताद सैयद जी और सरवत जमाल जी पहली पर्ची उठा दी है, बांद्रा मुंबई पहला मैच पड़ा है, बांद्रा वर्सेस मुंबई। आप नेशनल, आप लखनऊ का नेशनल है, एंडी बरेली और गोल्डन टी लखनऊ, एंडी बरेली गोल्डन टी, एंडी बरेली गोल्डन टी जाइए ना, अब्दुल्ला भाई उठाइए, ये हमारे टीटू भाई तीसरे राउंड की पर्ची उठाते हुए। चमन भाई, मीनाल और फुरकान बरेली, चमन भाई, चमन भाई, मीनाल और फुरकान बरेली, राम और मुन्ना भाई पर्ची लाइए। शादी मुगल और मुरादाबाद, लहरी मुरादाबाद,
कामरान चमन भाई, चमन भाई और SSA लखनऊ, लखनऊ सदर जयपुर इसमाइल लखनऊ शान बरेली आहान लखनऊ कला जयपुर अभी हो जाए उसके बाद शीश महल लखनऊ अभी लिखो शीश महल लखनऊ पर्चियों को फिर से मिक्स कराया जा रहा हूँ मैं आपको बता दूं कुछ टीमें यही हैं कुछ के कैप्टन यही हैं शान बरेली आहान लखनऊ आहान लखनऊ सदर जी पर्ची उठा रहे हैं और ये हमारे नौशाद भाई, ये अब जो है परदेशी और लोकल टीमों का टाई पड़ चुकी है। अब जो टीमें बची हैं वो सिर्फ लोकल टीमें बची हैं, तो अब इसमें से पर्ची हाफ हाफ करके फिर से जो है टीम की टाई डाली जाएगी। अब लखनऊ वर्सेस लखनऊ पड़ जाएगा, जिसके परदेशी की टीमें सारी खत्म हो गई। अभी से स्टार्ट हो रहा है और उसमें हमारे सैयद भाई हैं, अपने जमाल भाई हैं, साथ मेरे इतने भी यहाँ पे मुन्नू भाई वगैरह सभी लोग हैं मौजूद है। सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए और अच्छे से अच्छे सबके सामने जो है ये टाई का इंतजाम हो और सारी टाई पड़ गई, किसका किससे पकड़ा है, कैसे क्या हुआ है, ये सब कुछ पड़ गया है। बस यही है कि आगे का जो प्रोसेस होगा इस टाई के बाद जो होगा, जो कि काफी मेहनत के बाद हुआ है, उसमें जो पूल बनने हैं उसके बारे में अब्दुल्ला भाई बताएंगे। देखिए सबसे पहले आए हुए हमारे तमाम साथी, तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें हमारे LKCA के अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब पप्पू भाई, हमारे सैयद भाई और हमारे मन्नू भाई शदब जी और हमारी संस्था के आए हुए सरवर भाई जो हमारे बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं और हमारे साथ के तमाम साथी, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि वहशत का जमाना है, हर हाथ में पत्थर है। वहशत का जमाना है, हर हाथ में पत्थर है, बच जाए अगर शीशा तो अपना मुकद्दर है। मेरे भाई मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, सारे लखनऊ क्या सारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से दरखास्त करता हूँ कि इस शीशे को बचा लीजिए। अगर इस शीशे को हम लोगों ने इस टूर्नामेंट में बचा लिया तो मुस्तकबिल में भविष्य में हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ शीशे को हम लोग बचाएंगे और इस खेल के लिए हम लोग तमाम और काम करेंगे जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए होगा। मैं तमाम संस्थाओं से भी अपील करता हूँ और तमाम खिलाड़ियों से भी अपील करता हूँ, हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से अपील करता हूँ कि इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कांधे से कांधा मिला करके आगे चले और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे बुजुर्ग लगे हैं इनके साथ खड़े हो, इनकी सरपरस्ती में आगे इस खेल को आगे बढ़ाए और इतना आगे ले जाए कि जिस तरीके से आज क्रिकेट हिंदुस्तान में जाना जा रहा है इसी तरीके से लखनऊ की पतंगबाजी को भी पहचान मिल जाए।